सात्विक केनलेसेस रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चने दाल की चटनी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके लिए मैंने आधा कप चने की दाल लिया है। तो इसे हम सबसे पहले भून लेते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है और इसके अंदर चने की दाल को डाल देंगे और इसे मीडियम आंच पर हल्का सा ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। बराबर चलाते रहेंगे और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम भूनेंगे जिससे इसका कच्चापन चला जाए और चटनी हमारी खाने में बहुत टेस्टी लगे। तो दाल हमारी भून चुकी है और हल्की सी ब्राउन भी हो गई है। तो बस ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो दाल को मैंने कटोरी में निकाल लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। और इसे हमें 1 से 2 घंटे के लिए भिगा देना है जिससे दाल हमारी अच्छी तरीके से भीग जाए। तो इसे ढक करके रख देते हैं और 2 घंटे बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, तो आइए हम दाल को चेक कर लेते हैं। मैंने 2 घंटे पहले चने दाल को ड्राई रोस्ट करके भिगा दिया था। तो इसे हम 2 बार अच्छी तरीके से पानी से धो लेते हैं और इसका पानी निकाल देंगे। तो मैंने चने दाल को अच्छी तरीके से धो करके साफ करके रख लिया है। तो चलिए इसके लिए हम तड़का बनाकर तैयार करते हैं। तो तड़का बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। और इसके अंदर डालने के लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली सरसों के दाने, 1/2 नींबू, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 4 लाल मिर्च, ये तीखी वाली मिर्च है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, और 1 डंडी हमने करी पत्ता लिया है, 15 से 20 पत्ते हैं ये, और 1/2 कप हमने ताज़ा नारियल लिया है। आपके पास अगर ताज़ा नारियल नहीं है तो आप सूखा वाला नारियल भी ले सकते हैं। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है। तो चलिए तड़का हम बना लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे, काली सरसों के दाने डालेंगे और इसके अंदर लाल मिर्च डाल देंगे। इसे हमें हल्का सा भूनना है और इसके अंदर लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं जलाना है, इन्हें हल्का सा भूनना है, लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। आंच को हमने बिल्कुल धीमा रखा है और अब हम इसके अंदर एक करी पत्ता भी डाल देंगे। इसे भी हल्का सा भूनेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो तड़का हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमने मिक्सर जार लिया है, तो इसके अंदर इस दाल को हम डाल देंगे और इसके अंदर ये नारियल भी डालेंगे। मैंने नारियल का छिलका नहीं निकाला है, आप चाहे तो इसका छिलका ऊपर से निकाल भी सकते हैं। और इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और जो मैंने तड़का बना करके रखा है इसमें से 1/2 तड़का हम चटनी के अंदर डाल देंगे और 1/2 तड़का हम रखेंगे ऊपर से गार्निश के लिए। तो 1/2 हम इसके अंदर डाल देते हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे हम कलर के लिए डालेंगे और डालेंगे इसमें नींबू का रस। हमने नींबू से बीज निकाल दिया है तो इसका रस इसके अंदर हम डाल देंगे। इससे चटनी हमारी खट्टी बनेगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी चटनी पीसने के लिए। हमें इतना पानी डालना है जिससे अच्छी तरीके से पीस जाए। तो 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसकी बारीक चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चटनी को हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी बहुत अच्छी तरीके से पीसकर तैयार हो गई है और ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है। तो इसी तरीके की चटनी हमें चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पतली रखनी है तो इसके अंदर और पानी डाल सकते हैं। तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम इसके ऊपर से तड़का लगाएंगे। जो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तड़का छोड़ा था इसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, तो अब हम इसके ऊपर इसे डाल देंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे इडली, डोसा या फिर कोई भरवा पराठा
कोई भी चीज़ लें और उसके साथ खाएं, इस चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से इस चटनी को बनाइए और इसे फ्रिज में 3 से 4 दिन तक आप रख भी सकते हैं, बनाकर ख़राब नहीं होती है और खाने में इसका टेस्ट ऐसा ही रहता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।